गुरुग्राम में रेप और छेड़छाड़ का मामला तब्दील हुआ। हनी ट्रैप में गुरुग्राम पुलिस ने पालम विहार रेप मामले में किया खुलासा। युवती ने ब्लैकमेल कर मांगे 30 लाख रुपए। ऑडियो रिकॉर्ड से हुआ खुलासा। युवती पर पहले भी 2010 में रेवाड़ी में था मामला दर्ज। गौरतलब रहे, युवती ने पालम विहार थाने में गुरुग्राम पुलिस के सिपाही समेत 3 आरोपियों पर रेप और छेड़छाड़ का कराया था मामला दर्ज। गुरुग्राम पुलिस के हवलदार पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली 28 वर्षीय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि महिला ने गुरुग्राम पुलिस के हवलदार और उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर हनी ट्रैप में फंसा कर 30 लाख रुपए की मांग कर रही थी। ये दिनांक 23/5/2020 को एक लड़की ने पालम विहार पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ रेप का, गैंग रेप का केस रजिस्टर करवाया था, जिसमें उसने एलिगेशन लगाए थे कि भी मेरे को एक, मेरा जो दोस्त था वो गाड़ी में बिठा के मेरे को लेके गया, दो और उसके साथी उसमें मौजूद थे और उन्होंने शराब पी रखी थी, मेरे साथ छेड़खानी की और एक आदमी ने मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ रेप किया, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्ट्री करके और इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और एक व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया। इन बिटवीन ही इस लड़की ने पैसे की डिमांड शुरू की और 30 लाख रुपए उसमें फैसला करने के लिए उसने दबाव बनाया कि 30 लाख रुपए मुझे दे दोगे तो मैं फैसला कर लूँगी, जिसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को प्रोवाइड कराई गई। इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए हमारे SHO पालम विहार ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए और वो सारी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसको फाइल पे लेते हुए एक इसके साथी की और एक इसकी खुद की ऑडियो थी 30 लाख रुपए मांगने की, उसको फाइल पे लेते हुए और इस लड़की को, जो प्रीति नाम है इसका, हमने अरेस्ट कर लिया है और इसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। दरअसल बीते 2 दिन पहले महिला ने पालम विहार थाने में एक आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पुलिसकर्मी और उसके दूसरे दोस्तों पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि गुरुग्राम पुलिस का हवलदार उसको पार्टी करने के बहाने लेकर गया था और उसके साथ 2 अन्य दोस्त भी थे और एक मैरिज हॉल में हवलदार के दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि हवलदार और अन्य साथी ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में सामने आया कि गुरुग्राम पुलिस के हवलदार और उसके दोस्तों से युवती मामला वापस लेने के लिए ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए की मांग कर रही थी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस के हाथ सबूत के तौर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी है, जिसमें युवती आरोपियों से 30 लाख की मांग कर रही थी। इस लड़की ने पहले भी रेवाड़ी में भी एक मुकदमा दर्ज करवाया था इसी तरह से 2010 में, और उसमें भी इसी तरह पैसे लेके और फैसला कर लिया था। तो पहले की भी इसकी इस तरह की हिस्ट्री है और समाज में इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारी कार्रवाई, इसको हमने अमलीजामा पहनाया है और भी कोई इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, उसको एक्सटोर्शन का साधन ना बनाया जाए, इसलिए हमने उसको सबक सिखाने के लिए ये कार्रवाई की। सर, इसमें इसके साथ और भी कोई शामिल है महिला के साथ? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो भी हम जांच करेंगे और जो भी कोई साथी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, पैसे दे पाए थे कुछ? नहीं, अभी पैसे की डिमांड थी, अभी पैसे गए नहीं। सर, आपने 376 का भी मामला दर्ज किया है इस मामले में? जी। तो क्या उस मामले को भी कैंसिल कराएंगे सर आप? अभी ये आगे की इन्वेस्टिगेशन बताएगी, मैंने बताया ना अभी तो इनिशियल ये चीज़ें हुई हैं, मैंने जो आपके साथ शेयर की हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो जो जैसी जैसी चीज़ें आएंगी ऐसी वैसी कार्रवाई कर दी जाए। सर, कैसे संपर्क सर, कैसे आपने, पुलिस का एक कर्मी भी शामिल था? बिल्कुल, पुलिस का कर्मी भी शामिल था इसमें और उसी की दोस्त थी ये, और उसके से भी पैसे मांगे जा रहे थे, और इसने एक और पुलिसकर्मी था उसको खुद भी फ़ोन करके इसने कहा कि मेरे को 30 लाख रुपए दिला दो तो मैं इनको छुड़वा दूँ। सर, संपर्क में कैसे आई थी इन लोगों के? ये सपा में काम करती थी और इसकी भी ड्यूटी उधर थी, तो वहाँ से संपर्क में। SP क्राइम प्रीत पाल की माने तो युवती द्वारा बताई जगह पर जाल बिछाकर रंगे हाथों
गुरुग्राम पुलिस ने युवती को पकड़ा है। वहीं साल 2010 में रेवाड़ी के एक शख्स पर युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराकर उससे पैसे लेकर मामले को रफा दफा किया था। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस आरोपी युवती पर गहनता से तफ्तीश कर रही है। खबर तहलका के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।